बिहार विधानसभा चुनाव में 23 अक्टूबर का दिन बेहद अहम साबित हुआ। बिहार के सियासी समर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवेश किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जहां एनडीए के लिए तीन तीन रैली को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव के साथ दो रैली की। आपको बता दें कि पीएम मोदी की चुनावी सभा पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी को भाषण के दौरान पिता रामविलास पासवान का नाम लेने पर उन्होंने धन्यवाद कहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली रैली सासाराम में की। उन्होंने विपक्ष पर अपने भाषण के दौरान जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि बिहार की पहली रैली में पीएम मोदी ने रामविलास पासवान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे करीबी मित्र और गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको बता दें कि जैसे ही पीएम मोदी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, वैसे ही उनके बेटे और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के भाषण के दौरान उनके पिता रामविलास पासवान का नाम लेने पर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्वीट में किस तरह लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।